नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सुलगते सवाल में आज बात सनातन पर छिड़े सियासी संग्राम की करेंगे, जिसमें रोज नई सियासत और नए सियासी किरदार जुड़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन से शुरू हुआ ये विवाद इस वक्त देश में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। डीएमके की तरफ से लगातार सनातन को लेकर विवादित टिप्पणियां की जा रही है। इस विवाद में आज जो नया नाम जुड़ा है वो है डीएमके के नेता के पुनमुंडे का, जिन्होंने सनातन पर छिड़े सियासी संग्राम को इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया है। पुनमुंडी का कहना तो यह है कि सनातन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 26 दल जो हैं वो एकजुट हुए हैं, जिसे अब बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने अब सीधे सीधे सोनिया गांधी से सवाल पूछा है कि सोनिया सनातन के इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है, इस खामोशी के पीछे वजह क्या है, क्या वो इसे मौन सहमति दे रही है। आज सुलगते सवाल में इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जल्दी से इस पूरे विवाद का सीक्वेंस दिखा देते हैं। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर जग बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल दें। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन का अपमान करते हैं। सनातन भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा पे चोट, परमात्मा से खोट, उनको मटिया मेट करेगी। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। सनातन पर विवादित बयान के बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। डिबेट पर मैं चलूं उससे पहले आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी समझाती हूं इस वक्त कि क्या हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना बीमारी से कर दी। उन्होंने सनातन के विरोध नहीं बल्कि उसके खात्मे की बात कही है। ये कितनी बड़ी बात है देश की सियासत के लिए आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डीएमके नेता ए राजा ने सनातन को सामाजिक कलंक तक बता दिया। ए राजा ने सनातन की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से कर दी। और अब डीएमके नेता के पुनमुंडी ने इंडिया को, यानी इंडिया गठबंधन जो है INDIA, उसको सनातन के खिलाफ गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि जो ये 26 दलों का गठबंधन तैयार हुआ है दरअसल वो इसके खिलाफ में, यानी सनातन के खिलाफ में है। लेकिन इस वक्त मैं डिबेट की शुरुआत करूं, सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले एक बयान सुनवाती हूं। वो बयान बेहद मायने रखता है क्योंकि वो आज का बयान है डीएमके नेता का। और इस डिबेट में जो इस वक्त मेरे साथ सारे मेहमान है, एक एक करके मैं परिचय करवा दूं, फिर सिलसिलेवार तरीके से क्वेश्चन भी। राखी राठौर बीजेपी से, सुभ्रांश राय कांग्रेस पार्टी से, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, और दानिश कुरैशी MIMI से। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सुभ्रांश राय, मैं सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। ये जो बयान इस वक्त मैंने डीएमके का सुनवाया, क्या वही राय कांग्रेस पार्टी भी रखती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है महागठबंधन इंडिया, उसमें अहम किरदार है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी यही दोहराती है कि 26 दलों का जो ये गठबंधन है वो सनातन के खिलाफ एकजुटता है? क्या आप भी यही राय रखते हैं? देखिए रीमा, मुझे लगता है कि ये मुद्दा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं थोड़ा गंभीरता से सिलसिलेवार जवाब दूंगा, आप थोड़ा धैर्य रखकर सुनिएगा। मेरे और भी गेस्ट सबसे पहले सबसे हाँ मैडम बिल्कुल हाँ। समय का ध्यान रहेगा हाँ। सबसे पहले तो मैं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात को करना चाहूंगा कि जय सनातन और जय सिया राम कहना तो मंत्री जी को पड़ेगा ही पड़ेगा। वो इसलिए कहना पड़ेगा कि हो सकता है शायद उनके कुछ पाप कट जाए। जो भ्रष्टाचार 13,000 करोड़ का जल जीवन मिशन में, बहुत सीधा सवाल मैंने पूछा है, शायद आप नहीं सुन पाए, मैं आपकी सहूलियत के लिए दोहरा देती हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी डीएमके के नेता से राय रखते हैं, इत्तफाक रखते हैं? क्या सनातन के खिलाफ में ये महागठबंधन है? क्लियर सवाल है मेरा।
मैडम आपकी हिंदी कमजोर है, बोल रहा हूँ तो सुनने तो दीजिए, मैंने आपका सवाल आप सुन लिया है। आप जा रहे हैं, आप गजेंद्र सिंह शेखावत पे जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको किसने अधिकार दिया किसी की जुबान खींचने का? जब वही गजेंद्र सिंह शेखावत बिहार में जाते हैं तो जीतन राम मांझी के सामने सष्टांग हो जाते हैं, जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं। वही गजेंद्र सिंह शेखावत जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो नरेश अग्रवाल के सामने मत्था टेक देते हैं। मैं जब सवाल पूछ रही हूं तो आप कुछ और बोल रहे हैं। सुनिए भीमा, भीमा सुनिए, जिनको राम में राम दिखते हैं और ठर्रे में प्रभु हनुमान दिखते हैं, इतने बड़े प्रभु हमारे सनातन का अपमान हो जा रहा है। रीमा पराशर चुप बैठी है, कम से कम आप बिहार की मिट्टी का लाज को रखिए। बीजेपी से सवाल पूछिए कि जीतन राम मांझी अब तक एनडीए गठबंधन में क्या कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मैडम, 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कुछ 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 छींटे आप पे पड़े हैं। मैं कहूंगी तो आप बुरा मत मानिएगा, आपने जब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इसका मतलब ये है कि जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है कि मौन सहमति है कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की, क्या वाकई मौन सहमति है उसका? अरे रुकिए तो सही मैडम, उसका भी जवाब दिया। और चूंकि आप गजेंद्र शेखावत का जिक्र कर रहे हैं तो मैं राखी राठौर है, मैं उनसे आप ही के सवाल का जवाब, राखी राठौर से आप ही के सवाल का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। राखी राठौर, ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत के विवाद पर ये बोल रहे हैं, और मैंने जो सवाल पूछा वो आपने सुना भी, उस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। जी मैं आती हूँ, मुझे अपने हर मेहमान के पास जाना है, मुझे अपने हर मेहमान के पास जाना है, मैं बस राखी राठौर का बयान ले लूँ उसके बाद। सुन तो लीजिए, मुझे डिबेट में बताया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत, पहली इंपॉर्टेंट बात, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत का भ्रष्टाचार भी तो है, नरेंद्र मोदी का भी तो भ्रष्टाचार है। मैं आपको कांग्रेस पार्टी तो पूरी भ्रष्टाचार में हुई हुई है, भ्रष्टाचार डिस्कस करना वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज के विषय पर आए हैं। सबसे पहले आप रीमा, ये क्या तरीका है बताइए, ये कोई तरीका है? ये कुछ भी बोलेंगे हम सुनेंगे आपकी बात क्या? क्योंकि सवाल किया जाता है सनातन धर्म के बारे में, अपमानित शब्द किए जाते हैं, बोले जाते हैं, आप बोले जाते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जरा इत्मीनान से सुने। अपने अलायंस के लोगों पे लगाते हैं, पैनल में बैठे हुए हर गेस्ट ने इत्मीनान से सुना है, आप भी सुने। राखी जी, राखी राठौर, देखिए रीमा, आपने सबसे पहले शुभ्रांश जी को चुप कराएंगे, मुझे लगता है कि शुभ्रांश राय बहुत गलत कर रहे हैं, प्लीज आप सुने राखी जी क्या कह रही है ना, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ्रांश जी, ये जो गुस्सा है ना, बचा के रखिए। अभी आपके अलायंस के लोग जो जिस तरह के स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं, और रीमा आपने जो अपने शो की शुरुआत की, अपने शो की शुरुआत में आपने पहला नाम जो है वो उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से किया, लेकिन मैं उसके पीछे ले जाना चाहूंगी आपको, उसके पीछे मुंबई की जो बैठक हुई, उस बैठक में हो सकता है ये भविष्य अपना तय नहीं कर पाए, ये संयोजक तय नहीं कर पाए, लेकिन इनका एजेंडा तय था, इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय था, जिसके माध्यम से 24 घंटे के अंदर उदयनिधि स्टालिन ने अपने स्टेटमेंट शुरू किया। और आप बताइए उसके बाद लगातार होड़ मची हुई है, लगातार होड़ इस बात की है कि सनातन धर्म के बारे में कौन अपशब्द ज्यादा बोले, कौन सनातन धर्म को अपमानित करे, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। और आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के मेरे साथी से, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, जब चुनाव आते हैं तब तो बहुत ज्यादा, प्रियंका गांधी जी को हमने नर्मदा आरती करते देखा, राहुल गांधी जी को हमने जनेऊ कोट के ऊपर पहन के मंदिर मंदिर जाते देखा, क्या वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही होता है? अपने आप को हिंदू कहने वाले जब धर्म की इस तरह की बातें होती तो क्यों करते हैं? रीमा जी देखिए, सनातन धर्म भी यही कहता है कि अपना धर्म अपनाएं, लेकिन बाकी धर्मों का सम्मान करें, और यही धारणा के साथ में सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, किसी भी धर्म के बारे में क्यों अपशब्द कहे जाए। लेकिन राखी जी, एक छोटा सा सवाल टारगेट किया जाता है, मैंने शुरुआत की थी जिस मसले पर बात करने की कोशिश की उसको अलग भटकाने की कोशिश की गई, क्या शुभ्रांश राय जो कह रहे हैं, जो इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, क्या आप सहमति मानती है कि कांग्रेस पार्टी भी ऐसा ही सोच रखती है जैसा सोच डीएमके के नेता रखते हैं? आप बताइए, इतने दिन हो गए, लगभग 22-23 दिन हो गए, अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट हमने सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से नहीं सुना, और ये एक मौन स्वीकृति है। ये मौन स्वीकृति इस बात की है कि वो इस एजेंडे के साथ है, क्योंकि साथ बैठ के मुंबई की बैठक में ये सब कुछ तय हुआ है, और जो कॉमन एजेंडा तय हुआ है उसमें आप बताइए, आरजेडी के लोग हो, चाहे हम आप पार्टी के लोग हैं, हम सभी पार्टी के लोग, और कर्नाटक के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हिंदू नाम ही गंदा है, इस तरह के शब्द जो यूज करते हैं उनके साथ जब घमंडिया ग्रुप के लोग खड़े हैं। सर देखिए, घमंड आपका जनता देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरह का आप लोग, ये देखिए मैं आप दोनों के पास आऊंगी, दो गेस्ट मेरे साथ
इस वक्त और भी हम उनका भी एक बार रुख कर लें। दानिश कुरैशी, आप भले महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे आपसे जानना यह है कि जो ये पूरा विवाद चल रहा है, सनातन के खिलाफ में विवाद चल रहा है, उस पे जो AIMIM पार्टी है उसका क्या स्टैंड है? पहली बात ये है कि जो पूरे मामले हैं, ये मामला जो है पूरा धर्म आधारित जो चीजें सामने आई हैं उन चीजों को लेकर है। हमारा ये मानना है कि इस तरीके की राजनीति से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनको फायदा ही पहुंचेगा। होना ये चाहिए, दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो मुझे लगता एक लाइन है डीएमके के नेता की, एक लाइन है, उस लाइन पे मैं आपका स्टैंड जानना चाहती हूँ कि जो 26 दलों का गठबंधन तैयार हुआ है वो सनातन के खिलाफ एकजुट है। क्या सनातन का मतलब बीजेपी होता है? क्या सनातन का मतलब भारत नहीं होता? क्या सनातन को मानने वाले देश में लोग नहीं है? देखिए, इस पूरे मामले पे तो आप जो गठबंधन के जो लोग हैं या उनके प्रवक्ता हैं उनका स्टैंड जाने वो ज्यादा बेटर है बजाय मेरा स्टैंड जानने के। दूसरे नंबर की बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उन चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो गजेंद्र जी का जो स्टेटमेंट है वो और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो, ये दो चीजें आपको समझने की जरूरत है कि इन परिस्थितियों के अंदर में आखिरकार क्यों इस तरीके की राजनीति यहाँ देश में शुरू हो गई है। जब आपको ये समझ में नहीं आता, जब आपको ये समझ में आना चाहिए कि देश के अंदर में राजनीति अलग होनी चाहिए और धर्म अलग होना चाहिए, लेकिन बहुत चालाकी के साथ आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति और धर्म दोनों को मिक्स करके जो जब आप चालाकी का जिक्र करते हैं तो मैं जरा वो लिस्ट आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दिलाती हूं कि कौन कौन सनातन के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। सबसे पहले नाम राहुल गांधी का आता है जो भारत में नहीं विदेश में जाकर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने दिया, ए राजा ने दिया, प्रियांक खड़गे ने दिया, ओवैसी साहब ने दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, हालांकि इन सारे बयान के बाद अब एक ही स्टेटमेंट ऐसा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई सनातन के खिलाफ में बोलेगा तो हम सुनेंगे नहीं। तो आपने सुन लिया कितने लोगों ने? आप बीजेपी को सिर्फ कोट कर रहे हैं। मैं आपके पास आती हूं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ दुबे, इस पूरे डिबेट को सुनकर या जितनी बयानबाजियां हो रही है, क्या वाकई अब सिर्फ बीजेपी कसूरवार है सनातन और किसी धर्म विशेष राजनीति के लिए? नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम् के सबक संदेश से सरोबार सनातन संस्कार दुनिया के मानवीय मूल्यों, मर्यादाओं और मान्यताओं के लिए एक उपहार है। यह पूरा विश्व जानता है, लेकिन जो ये कुंठित कुनबा है, जो ये पूरा गठबंधन बना हुआ है, आजकल इनके पास कोई मुद्दे है नहीं। इनके पास सिर्फ तीन मुद्दे हैं, एक तो सनातन पर वार, दूसरा संविधान पर प्रहार और तीसरा भारत विरोधी दुष्प्रचार। अब आप ये देखिए कि इनका इलाज जो है मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हो सकता है। इनको ये नहीं पता कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब सनातन का अपमान हुआ है तब तब उस उन लोगों का समूल विनाश हुआ है। और आज ये उसी जिस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जिस गठबंधन को बना करके रोज मीटिंग करते हैं, अभी मुंबई में मीटिंग की, उसके पहले मीटिंग की, तो क्या वहां पर ये रणनीति तय की जाती है कि आपको सनातनों का और सनातन धर्मियों का और एक प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना है? और उस पर जब कोई बयान देता है कि भाई हम अपमान नहीं होने देंगे, तब आप उस पर मिलकर के, अभी जो ऐसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो इतना बढ़ चढ़ करके मुद्दे पे तो बात नहीं कर रहे, मुद्दों के अलावा सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। तो क्या मैं आपके पास पूछना चाहता हूँ, क्या आप सनातन धर्म के अपमान को स्वीकार करते हैं? जो बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस का जो है उपहास करते हुए शुरू हुआ था क्रम, वो आपके साउथ में जाकर के आज वो वहां पर फैला हुआ है, तो क्या आप उसको स्वीकार करते हैं? आप सिर्फ इतनी बात बताइए, आप दाएं बाएं मत घुमाइए कि गजन सिंह शेखावत जी ने क्या। यही पूछ रही हूं, उनसे यही कोशिश है शुभ्रांश राय, अब तो जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी यही पूछना है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? मैं रीमा, आपकी तो मजबूरी समझ सकता हूँ, सौरभ दुबे की क्या मजबूरी है? बिहार के शिक्षा मंत्री इनको दिख रहे हैं, जीतनराम मांझी इनको नहीं दिख रहे हैं। सनातन का सबसे बड़ा अपमान तो नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया है, क्योंकि उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। अब ठीक है, सौरभ दुबे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है,
जीतन राम मांझी के सामने भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए सष्टांग हो सकती है, हाँ। नरेश अग्रवाल के सामने मैं सनातन धर्म बिहार से निकलिए, जीतन राम मांझी का पीछा छोड़िए, दक्षिण कटाक्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है मुद्दों पे रहेंगे बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन मुद्दे पे बात करेंगे बहुत बेहतर होगा, मुद्दे पे बात करेंगे बहुत बेहतर होगा। आप अपना क्वेश्चन करिए और माइक अपना रखिए, मैं जवाब देता हूँ। तू तुम्हें में क्या होता है? मैं सीधा सवाल फिर से दोहरा रही हूँ, सनातन के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? यस यस, दिस इज द पॉइंट, सो प्लीज आप अपने माइक को बंद करिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हिंदू धर्म और सनातन के साथ है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी को और तो जब अगर आपका स्टैंड सनातन के साथ है, तो जब ये बयान दिया जा रहा है कि 26 दल का गठबंधन तैयार हुआ है सनातन के खिलाफ में, गुल्ला वाले चैनल पे नहीं हो,